हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए बिना समय गवाए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए मूंगफली की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम मूंगफली से आप लोगों को मिठाई बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मिठाई तैयार होता है और बहुत ही कम सामानों में, बिल्कुल जैसे काजू कतली बनता है, ठीक हम वैसे ही बनाएंगे मूंगफली से। और कभी कभी क्या होता है कि फेस्टिवल आते हैं और बहुत लोग मार्केट से नहीं ला पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैं आज उनके लिए बिल्कुल सस्ती और बिल्कुल यम्मी यम्मी मिठाई घर पे वो भी मूंगफली से बना के तैयार करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा मेरे। तो गैस ऑन करके हम सबसे पहले उस पर कढ़ाई रख दिए हैं। फ्रेंड्स, हमें मूंगफली का बहुत हल्का सा नॉर्मल, बिल्कुल हमें मूंगफली को भूनना है बिल्कुल हल्का सा। इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा नॉर्मल। इसे हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका छिलका जो है ये निकल जाए आराम से। बहुत हल्का सा करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, बहुत हल्का हमें करना है। देखिए, हम इसका छिलका उतर जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया है, अब हमें गैस को ऑफ कर देना है, नहीं तो कलर इसका चेंज। तो इसे हम प्लेट में निकाल लिए, अब इसका हम छिलका जो है छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम वही कढ़ाई रख लेंगे, आप कोई भी कढ़ाई या पैन रख सकती हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर। तो यहाँ पे हम उसी कटोरी से शक्कर लिए हैं। तो हम आपको बता दें, मूंगफली हमारी 250 है और शक्कर हम बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा मिठाई तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें शक्कर को इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। और थोड़ा सा बस पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम पका लेते हैं। हमें कोई तार का तैयार नहीं करना है फ्रेंड, कोई भी जीरा, एक तार या दो तार नहीं होना है इसमें। सिर्फ चीनी को हल्का सा घोल लेंगे और थोड़ा सा बस पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, चीनी को हम चलाते रहेंगे, चीनी हमारी घुल जाए। बहुत कम सामानों में फ्रेंड्स ये मिठाई बन के रेडी होगी और बहुत ही टेस्टी, आप किसी भी त्यौहार में इसे बना सकती हैं। वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी मेरी ये रेसिपी आप लोगों को समझ में आएगी। तो चीनी देखिए घुल गया है यहाँ पे, और इसे हम गैस थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं। और जो यहाँ पे मैंने मूंगफली को देखिए भुना हुआ था, उसके सारे छिलके बिल्कुल साफ कर लिए हैं। अब इसे हमें क्या करना है, मिक्सी जार में डाल के इसे हमें इसका बिल्कुल इसे फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम जो है बिल्कुल इसे तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। इसमें ऑयली डालने बिल्कुल होता है, इसमें घी की भी ज़रूरत हमें नहीं है, देखिए ऐसे करने से बिल्कुल घी है। तो इसे हम हल्का सा छान लेते हैं छन्नी में, इसे अगर थोड़ा सा भी दरदरा हो तो वो उसे निकाल लेना है। तो इसे हम हल्का सा छन्नी में डालेंगे, वैसे ये बिल्कुल बारीक हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आपको दिखा देते हैं, देखिएगा बिल्कुल भी इसमें दरदरा नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा ये तैयार हुआ है। इसे अगर आप अच्छे से पीस लीजिए ना तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम ले लिए हैं, ये है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को ज़्यादा नहीं डालना है, बस हम बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, देखिए आपको चम्मच से दिखा देते हैं। इसी में हम इसे ऐड कर लेंगे, तो 2-3 चम्मच मानकर चलिए कि हमने जो है मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किए हैं। मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसे अब हम जो है मिला लेंगे एक साथ, प्लेट में ही इसे हम मिला लेते हैं। तो ये बिल्कुल मेरा तैयार है, देखिए इधर हम इसे मिला लिए हैं। और अब जो यहाँ पे
हम सीरा बनाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने सीरे को तैयार था ये बिल्कुल तैयार है। और गैस को अब हम पहले कर लेंगे ऑफ, जो तो गैस को ऑफ कर दिए हैं। और ये हम लिए हैं छोटी इलायची पाउडर, तो इसी में हम डाल देते हैं छोटी इलायची पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद होगा तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। और अब जो यहाँ पे हम तैयार करके रखे हैं ये पाउडर, तो इसे हमें एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में डालने से जो है ये गुठली हो जाएगा और फिर बेकार हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे बिल्कुल। देखिए ऐसे हमें चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे चलाते जाएंगे। बस ऐसे ही हमें डालते हुए मिला लेना है इसे अच्छे से। सबको अब डाल देते हैं एक बार में और इसे चला लेते हैं, मिला लेंगे बिल्कुल इसे अच्छे से। इसे थोड़ा सा टाइट हाथों से कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम गैस को फिर से ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसे हल्का सा क्या होगा, गैस ऑन करेंगे तो ये नीचे से जो भी लगा है बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। गैस हमने ऑफ करके इसलिए किया फ्रेंड्स क्योंकि गैस अगर आप ऑन करके करते तो नीचे से पकड़ लेता और बराबर मिल नहीं पाता, इसलिए गैस को मैंने पहले ऑफ कर दिया और अब ऑन कर दिए। तो इसे हम मिला लेंगे अच्छे से बिल्कुल। देखिए इसमें ऑयली बिल्कुल होता है मूँगफली में, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो बस से अब हम गैस को बंद कर देंगे, ज़्यादा देर तक हमें गैस नहीं जलाना है और इसे हमें चलाते रहना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने थाली में ले लिया है और इसे जो है हल्का सा अभी गर्म है तो हाथों से थोड़ा सा इसे हम बस क्या करेंगे, हल्का सा इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, और अब इसे हम फैला देते हैं हाथ को साफ करके फिर फैलाते हैं। तो अब इस प्लेट में फ्रेंड्स हम हल्का सा बस घी लगा दिए हैं, बहुत हल्का सा बस इसे ग्रेस कर लिए हैं। और अब इसमें जो है ये हम डाल देते हैं, बहुत ही अच्छी मिठाई है फ्रेंड्स, बहुत झटपट बनने वाले। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकती हैं। और इसे अब हम फैला लेते हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स कोई नहीं कह सकता है कि ये आपने मूँगफली से बनाया है, ये इतने टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम सामानों में। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें सामान बहुत ही कम लगते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं, आप मिनटों में भी बना सकती हैं इसे, कोई भी टाइम नहीं। आपने देखा कितना जल्दी मैंने भी बनाया, ये बहुत जल्दी मिठाई बनने वाली है। इसे हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया। और अब इसे हम कट कर लेंगे,
तो यहाँ पे हम कट करते हैं। अभी ये गरम है आप समझ सकती हैं, इसीलिए थोड़ा सा चाकू चलने में दिक्कत हो रहा है। ठंडा हो जाएंगे तो बहुत ही आराम से ये हो जाएंगे। इसे थोड़ी देर रख देते हैं फिर ठंडा होने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा आप लोग। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए